सुशांत सिंह राजपूत की मौत के सिलसिले में सीबीआई से जांच कराने संबंधी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया फैसला, मामले की जांच सीबीआई को सौंपी। देश में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या पहुंची 20 लाख के पार, स्वस्थ होने वालों की दर 73.64%। पिछले 24 घंटों में ठीक हुए 60,091 मरीज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 की बैठक में कहा, कोविड के मरीजों को बेहतर उपचार देना सरकार की प्राथमिकता, कोविड अस्पतालों की व्यवस्था को बनाया जाए चुस्त दुरुस्त। और विधानमंडल का मानसून सत्र कल से होगा शुरू, कोविड 19 महामारी के चलते सदन में कराई जा रही है विशेष व्यवस्था, मंडप में मास्क लगाना होगा अनिवार्य। नमस्कार, मैं हूं अलका सिंह और अब समाचार विस्तार से। सुशांत सिंह राजपूत को सीबीआई की जांच के लिए सौंपा गया है। मुंबई में 2 महीने पहले सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले की जांच सीबीआई से कराने संबंधी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुना दिया। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के सिलसिले में पटना में दर्ज एफआईआर को मुंबई ट्रांसफर करने के लिए एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि सुशांत केस की जांच सीबीआई करेगी। इस मुद्दे पर 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई पूरी कर ली थी। बिहार सरकार ने पटना में दर्ज कराए गए एफआईआर को सीबीआई के सुपुर्द कर दिया है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने मामले की जांच सीबीआई से कराने की केंद्र सरकार के फैसले का विरोध कर चुकी है। महाराष्ट्र सरकार ने पटना में दर्ज एफआईआर को मुंबई ट्रांसफर किए जाने की भी मांग की थी, लेकिन इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस ने अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की थी। सुशांत सिंह राजपूत 14 जून को मुंबई के बांद्रा में अपने अपार्टमेंट में फंदे से लटके पाए गए थे। सुशांत के परिवार की ओर से केस की पैरवी कर रहे वकील विकास सिंह ने इसे एक ऐतिहासिक फैसला बताया। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि मुंबई पुलिस ने जो भी इन्वेस्टिगेशन किया उसका बड़ा लिमिटेड दायरा था, उसमें कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं था। कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि पटना पुलिस में एफआईआर करने की बिल्कुल जुरिसडिक्शन था। कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि बिहार सरकार सीबीआई को रेफर कर सकता था मामले को, लेकिन इन सब के बावजूद कोर्ट ने सबसे बड़ी बात यह कह दी है कि इस सीबीआई इन्वेस्टिगेशन को हम अपने कोर्ट का भी स्टैंप दे रहे हैं और कोर्ट की तरफ से भी कह रहे हैं कि यह सीबीआई से ही होनी चाहिए। और उसमें कोर्ट ने अपने तरफ से और भी ऐड कर दिया है कि कोई भी मामला जो सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ा है, अगर कोई एफआईआर दर्ज होता है, वो इन्वेस्टिगेशन भी सीबीआई ही करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश बीएस चौहान के नेतृत्व में मामले की जांच के लिए गठित न्याय समिति पर सवाल उठाने वाली याचिका खारिज की। विकास दुबे मुठभेड़ मामले में न्यायाधीश चौहान की अध्यक्षता वाली न्यायिक समिति द्वारा निष्पक्ष जांच के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए गए हैं। भारत में कोरोना से जंग में टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की रणनीति काफी कारगर साबित हो रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस रणनीति के कारण भारत में संक्रमण के सक्रिय मामले अब कुल केस से 1/4 से भी कम हो गए हैं। टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की रणनीति के कारण ही स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है और मृत्यु दर में भी लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं भारत में कोरोना वायरस से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 20 लाख के पार हो गई है। पिछले 24 घंटों में कुल 60,091 मरीज ठीक हुए हैं। इसके साथ ही कुल ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 20,37,870 हो गई है, जो 73.64% है। वहीं देश में सक्रिय मामलों की संख्या 6,76,514 है। पिछले 24 घंटे में 1,092 लोगों की मौत हुई है। आईसीएमआर के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 8,05,118 कोविड नमूनों की जांच की गई है। इसके साथ ही अब तक कुल 3,17,42,782 नमूनों की जांच हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश सरकार सभी कोविड मरीजों को बेहतर उपचार देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके दृष्टिगत कोविड अस्पतालों की व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त बनाए रखा जाए। राज्य सरकार द्वारा समस्त जनपदों को कोविड 19 के उपचार के संबंध में 3 से 5 करोड़ रुपए
अतिरिक्त रूप से उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने जिलाधिकारियों को अपने अपने जनपद में इस धनराशि से कोविड 19 के उपचार की आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने आज एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी मेडिकल कॉलेज अपने बजट से कोविड 19 के उपचार संबंधी औषधियां एवं अन्य आवश्यक सामग्री क्रय करें। मेडिकल कॉलेज को उपलब्ध कराई गई धनराशि का पूरा उपयोग मरीजों के बेहतर इलाज पर किया जाए। इस कार्य में यदि उदासीनता बरती गई तो संबंधित प्रिंसिपल की जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी दशा में दवा के अभाव में मरीज का इलाज प्रभावित नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने 40,75,000 से अधिक टेस्ट के साथ उत्तर प्रदेश के देश का पहला राज्य बनने पर संतोष व्यक्त करते हुए टेस्टिंग गतिविधियों को पूरी क्षमता से संचालित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 80,000 रैपिड एंटीजन टेस्ट तथा RT-PCR विधि से 45,000 टेस्ट प्रतिदिन करने के लिए सभी प्रयास किए जाएं। कल के विधानमंडल का मानसून सत्र आरंभ हो रहा है। कोरोना महामारी के चलते इस बार आयोजित होने वाले संक्षिप्त सत्र में सदन के भीतर व बाहर कई बदलाव किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था संबंधित बैठक में बिना कोविड 19 की जांच के मंडप में किसी को प्रवेश नहीं देने का निर्णय लिया गया है। मीडिया कर्मियों के लिए बैठक की व्यवस्था तिलक हॉल में होगी, जहां एक बड़ी स्क्रीन लगाई जाएगी, वहीं से सदन की कार्यवाही को देखा जा सकेगा। विधानसभा में प्रवेश करने वालों की थर्मल स्क्रीनिंग होगी। विधायकों से अपने साथ सहयोगियों को न लेकर आने को कहा गया है। मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने बताया कि वैश्विक महामारी के कारण ये सत्र बहुत संवेदनशील है। संक्रमण बचाव के सभी उपाय सख्ती से लागू किए जाएंगे। विधानसभा सचिवालय के कर्मचारियों व अधिकारियों की कोविड जांच हो चुकी है। विधायकों की जांच कराई जा रही है। बैठक में अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी, महानिदेशक पुलिस हितेश चंद अवस्थी, मुकेश मेश्राम व प्रदीप कुमार दुबे भी मौजूद थे। उत्तर प्रदेश विधानसभा के सत्र की तैयारियां पूरी हो गई हैं। हमने हर प्रकार की व्यवस्थाएं की हैं। विधानसभा के में लगभग 600 कर्मचारी हैं। हमने सबका कोविड टेस्ट करवा लिया है। उसमें से जो लोग पॉजिटिव पाए गए हैं उनको क्वारंटीन के लिए भेज दिया गया है। आज सुरक्षा समिति की बैठक हुई, कल सभी दलीय नेताओं के साथ बैठक है, उसमें मुख्यमंत्री जी भी हिस्सा लेने वाले हैं। अब तक हुई तैयारियां, उन पर चर्चा करेंगे। सत्र की कार्यवाही के सुचारू रूप से संचालन की दृष्टि से और जो जो बातें सुझाव बैठक में आएंगे उन पर भी आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। कोरोना के कारण यह सत्र बहुत संवेदनशील हो गया है, इसलिए हमने सभी माननीय सदस्यों की जांच के लिए भी उनके उनके विधायक निवासों के निकट इस तरह के सेंटर की व्यवस्था की है। आज कुछ जांचें हुई हैं, कल और परसों भी इस प्रकार की जांचें लगातार चलती रहेंगी। विशेषतः कल इसकी जांच में तेजी लाए जाने का प्रस्ताव है। सभी बिंदुओं पर ध्यान दे करके एक सुव्यवस्थित रणनीति बनाई जा रही है। हमको विश्वास है कि सत्र ठीक से चलेगा। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने मथुरा वृंदावन के चहुमुखी विकास, सड़क, नाली, स्ट्रीट लाइट, पार्कों के विकास और सौंदर्यीकरण व जीर्णोद्वार सहित 11 करोड़ 25 लाख रुपए से हुए 32 कार्यों का वर्चुअल लोकार्पण किया। लोकार्पण के दौरान ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो सपना विकास का देखा था वो साकार हो रहा है। वर्ष 2026 तक जल जीवन मिशन के तहत मथुरा जिले के हर घर में नल से पानी पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि मथुरा वृंदावन में भी स्वच्छ गंगा जल आपूर्ति पर तेजी से कार्य चल रहा है। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि यमुना में गिरने वाले 20 गंदे नालों को बंद किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कलेक्ट्रेट से टैंक चौराहा, भूतेश्वर, मसानी, कृष्णानगर मार्केट तक सड़कों के नवीनीकरण और डिवाइडर के सौंदर्यीकरण के लिए 14 करोड़ रुपए PWD खर्च करेगा। इसकी स्वीकृति मिल गई है। भूमाफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रखने की बात करते हुए ऊर्जा मंत्री ने कहा कि भूमाफिया अगर अपना कब्जा नहीं हटाते हैं तो उनके पोस्टर चौराहों पर लगाए जाएंगे।
एक सपना ब्रजवासियों ने देखा था, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में वो सपना धीरे धीरे साकार हो रहा है। मैं शामिल कराया और हम धन्यवाद देंगे अपने मुख्यमंत्री जी, ब्रज विकास बोर्ड के तहत लगातार पैसा हमारी सरकार मथुरा विकास, मथुरा वृंदावन के विकास के लिए दे रही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान के द्वारा प्रदेश के 31 जनपदों को चुना गया है, जिनमें प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने का काम जारी है। प्रदेश के ग्रामीण विकास राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल ने बताया कि 36 लाख लोग प्रदेश में आए, जिनमें से 30 लाख 47 हजार लोगों की स्किल मैपिंग कराई गई और उन्हें योग्यता के अनुसार काम दिया गया। उन्होंने बताया कि ग्रामीण विकास के द्वारा प्रदेश में 90 लाख 47 हजार लोगों को रोजगार दिया गया। 26 जून को एक ही दिन में 62 लाख लोगों को काम मिला। उन्होंने बताया कि मनरेगा में 10 लाख नए जॉब कार्ड बनवाए गए, साथ ही आजीविका मिशन के तहत 1,69,000 महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़ा गया। वैश्विक महामारी कोरोना में प्रथम लॉकडाउन के समय से ही जिस प्रकार से अप्रैल के प्रथम सप्ताह में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1,70,000 करोड़ की गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत किया और उसके बाद 20 जून 2020 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुरुआत किया, जिसमें भारतवर्ष के 116 जनपदों को सम्मिलित किया गया। उत्तर प्रदेश के 31 उन जनपदों को उसमें सम्मिलित किया गया जहां पर 25,000 से अधिक प्रवासी श्रमिक आए हैं। जैसा उत्तर प्रदेश में 36 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिक आए, हमने उनमें से 18 वर्ष की आयु के ऊपर के 30,47,000 लोगों की स्किल मैपिंग किया और उन सभी को उनके योग्यता और निपुणता के अनुसार रोजगार देने के लिए प्रदेश सरकार संकल्पित रही। पूर्व लॉकडाउन में ग्राम विकास विभाग के द्वारा संचालित मनरेगा के द्वारा हमने 90,47,000 लोगों को आज तक कार्य दिया है। 26 जून को एक दिन में 62 लाख लोगों को काम मिला था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मनरेगा की दैनिक मजदूरी 182 से बढ़ा के 201 रुपया भी किया और जितने लोगों ने हमसे कार्य मांगा, जो हमारे प्रवासी श्रमिक आए, उनमें से लगभग 10 लाख नए जॉब कार्ड बनाए गए। 3.5 लाख ऐसे लोग थे जिनका जॉब कार्ड सक्रिय किया गया और सभी को रोजगार देने की व्यवस्था की गई। इसी के अनुसार हमारे ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संचालित राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में जो प्रवासी श्रमिक आए, उनके परिवार की जो महिलाएँ आई, ऐसे 4,22,000 परिवारों में से 1,69,000 महिलाओं को हमने अपने स्वयं सहायता समूह से जोड़ा और स्वयं सहायता समूह ने आज तक 90 लाख से अधिक मास्क बना करके, 75,000 लीटर से अधिक सैनिटाइजर बना के 14 करोड़ से अधिक रुपए की आय की है और उसमें उनको भी सम्मिलित किया गया है। और आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान, जिसमें 12 विभागों को मिलकर के सार्वजनिक क्षेत्र के कार्य किए जाने हैं, जिसमें हमारे ग्राम्य विकास विभाग के द्वारा मनरेगा के माध्यम से अस्थाई निर्माण के क्षेत्र में भी हम लोग तेजी से काम कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि जो श्रमिक हमसे रोजगार मांगे उनको हम दे सकें। ये हमारे दो स्किल, दो क्षेत्र विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी के और मुख्यमंत्री जी के भावना के अनुरूप लोगों को रोजगार देने के लिए आगे बढ़ करके आया है। प्रदेश के ग्रामीण विकास राज्य मंत्री ने बताया कि मनरेगा के काम में ग्रामीण विकास विभाग के साथ ही अन्य विभागों के द्वारा भी काम कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि लोगों को आसान शर्तों पर ऋण दिलवाने के लिए और जरूरत के लिए अनुसार ट्रेनिंग करवाने के लिए सरकार काम कर रही है। मनरेगा का हमारा जो लक्ष्य था कि हम 1 करोड़ मानव दिवस सृजित करें, जिसमें 65 लाख हमारे ग्राम विकास विभाग का, जो हम मनरेगा के माध्यम से कार्य करते हैं, कच्चे कार्य करते हैं। उसके अलावे जो हमारे प्रदेश के अन्य विभाग हैं, लोक निर्माण विभाग है, वन विभाग है, सिंचाई विभाग है, लघु सिंचाई है, कृषि विभाग है, उन सभी के कन्वर्जेंस के माध्यम से हम आज बरसात के मौसम में भी वृक्षारोपण के कार्य कर सकें, हम उनके लिए गड्ढा खोदने के कार्य कर सकें, हम आज नहरों की सफाई, किनारे की झाड़ियों की सफाई हम कर सकें, PWD की जो हमारी सड़कें हैं उनके पटरी का काम कर सकें, तो अन्य विभागों के सहयोग से हम अपना जो हमारा 1 करोड़ मानव दिवस सृजित करने का लक्ष्य है, हमने उस दिशा में काफ़ी हद तक सफलता पाई है। और जो हमारा टारगेट केंद्र सरकार से हमको मिला था,
हमने 18 करोड़ से अधिक मानव दिवस सृजित कर दिया है। लक्ष्य हमारा था कि हम एक दिन में 1 करोड़ मानव दिवस सृजित करें, जिसमें अन्य विभागों के सहयोग से हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लोगों को रोजगार के लिए सरकार ने जो उस घोषणा किया है कि हम बैंकों से भी अनेक जो हमारे खादी ग्रामोद्योग विभाग के माध्यम से, उद्योग विभाग के माध्यम से जो भी छोटा बड़ा व्यवसाय करना चाहता है उसे बैंक आसान शर्तों पर उनको ऋण दे व्यवसाय के लिए, और जो लोग जिस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं अगर वो कोई ट्रेनिंग भी करना चाहते हैं तो उसकी भी व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई है। हमारा प्रयास है कि हमारे प्रवासी श्रमिक या पूर्व के निवासी श्रमिक जो भी जिस क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं उसके लिए सरकार उनके सहयोगी के रूप में खड़ी रहे, यही माननीय मुख्यमंत्री जी की भावना है और सरकार खड़ी है। और विशेष तौर से ग्राम्य विकास विभाग आगे बढ़ करके सभी के लिए जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के मजदूर हैं या आजीविका के क्षेत्र में जो महिलाएं काम करना चाहती हैं उन सभी को एक सुव्यवस्थित अवसर हम सभी के द्वारा दिलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना के अंतर्गत बाराबंकी जिले में कोरोना से लड़खड़ा चुके गांव और प्रवासी श्रमिकों को तत्काल सहारा देने के लिए विभिन्न तरह के कामों को सुनिश्चित किया गया है। अब तक शहरों के संवारने वाले हाथ अब गांव के विकास की इबारत लिखने का संकल्प लेते दिख रहे हैं। इस योजना के तहत बाराबंकी जिले के प्रत्येक ग्राम पंचायत में इंटरलॉकिंग, चक्रोड, तालाब सौंदर्यीकरण, सामुदायिक शौचालय आदि का निर्माण कराया जा रहा है, जहां पर संबंधित राजमिस्त्री व प्रवासी मजदूरों को काम दिया जा रहा है जिससे रोजी रोटी के लिए उन्हें एक बार फिर पलायन ना करना पड़े। पहले दिल्ली में काम करता था, वहां से कोरोना महामारी के कारण मैं अपने घर को चला, 1-2 महीने तक मैं बैठा रहा। फिर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना के तहत हमें चक्रोट का कार्य मिला और मैं अपने घर का अपने परिवार चलाता हूं और प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद। कोरोना वायरस के बीमारी आ जाने के कारण वहाँ पे काम वाम सब बंद हो गया, फिर वहाँ से हम घर चले आए। गांव आकर 1-1.5 महीना हम लोग बहुत बैठ के परेशान हो गए, खर्चा पानी सब बंद हो गया था। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना के तहत इंटरलॉकिंग का काम चल रहा था, जैसे हम यहाँ पर काम वाम किया जिससे हमारा खर्च घर परिवार का खर्चा सब बढ़िया कायदे से चल रहा है और प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देते हैं। मैं दिल्ली में काम कर रहा था, वहाँ पे मतलब ये महामारी की वजह से हम लोग बहुत परेशान थे, किसी तरह से वहाँ से अपने गांव वहाँ पहुँचे। फिर यहाँ पे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना हमें काम मिला, फिर हम लोग उसमें थोड़े पैसे कमाने लगे, अपने बीवी बच्चे को पालन पोषण कर रहे हैं, किसी तरह से हम लोगों का कल्याण हो रहा है और प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद दिल से अदा कर रहा हूँ। कोरोना महामारी में लॉकडाउन के दौरान जौनपुर में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लोगों के लिए जीवनदायिनी बन गई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत सराय खाजा थाना क्षेत्र में मोहल्ला कोरापत्ती में मनरेगा मजदूरों को अब पलायन नहीं करना पड़ रहा है। अब इस योजना के अंतर्गत लोगों को अपने गाँव में ही कार्य मिल रहा है, जिससे प्रवासी मजदूर अपनी रोजी रोटी के लिए भटक नहीं रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत कोरापत्ती गाँव में तालाब, नाली, खड़ंजा का कार्य हुआ है। काम करते हैं, वहाँ से लॉकडाउन लग गया, चला आए घर, मनरेगा में काम करते हैं, उसका हमारा परिवार चलता है, मोदी जी के धन्यवाद। तो हम दिल्ली से आए अपने गांव लॉकडाउन में, और मोदी जी मतलब मनरेगा में काम लगा हुआ है, मोदी जी को धन्यवाद देते हैं। मुंबई में रहते थे हम, लॉकडाउन जब से लगा है यहाँ पे आए तो मनरेगा में काम कर रहे हैं, मोदी जी बहुत अच्छे आदमी हैं, उनके वजह से मुझे यहाँ मनरेगा में काम मिला हुआ है। बाद रहते थे, लॉकडाउन की वजह से हम यहाँ अपने गांव आए हैं, हमारे गांव में नरेगा का काम चल रहा है, नाली खुदा रही है, मतलब गड्ढा, प्रधानमंत्री की वजह से हमें काम मिला, हमारा परिवार चल रहा है, हम प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रदेश में कोरोना के पॉजिटिव मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन रिकवरी रेट अच्छे होने के कारण चिंतनीय स्थिति नहीं है। रायबरेली के कोरोना सर्वाइवर लोगों ने सरकार के प्रयासों को बेहतर बताते हुए प्रदेश सरकार की सराहना की है।
रायबरेली के रहने वाले जुगल किशोर ने बताया कि कोविड-19 की पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद उन्हें विभिन्न प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन सरकारी प्रयासों से आज वो ठीक होकर सामान्य जिंदगी जी रहे हैं, जिसके लिए वो सरकार को धन्यवाद देते हैं। वहीं अमित कुमार ने बताया कि पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद उनके दोस्तों ने उनसे बातचीत करना छोड़ दिया था। इन परिस्थितियों में वो अकेलापन महसूस कर रहे थे, लेकिन सरकारी इंतजामों की वजह से आज वो स्वस्थ होकर सामान्य जिंदगी जी रहे हैं। कोरोना सर्वाइवर आस्था सिंह ने बताया कि पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद प्रशासन की सकारात्मक भूमिका की वजह से वो आज ठीक होकर अपने घर वापस आ सकी। हो सके ये वायरस दूसरे लोगों को ना पहुंच सके, इसीलिए उन्होंने भी हम लोगों का चेकअप कराया, और जब चेकअप कराया तो उसमें हम लोगों का पॉजिटिव आया। फिर हम वहाँ पे 11 हॉस्पिटल में गए, और वहाँ पे हम लोगों को काफ़ी अच्छी सुविधा दी जा रही थी। टाइम टाइम पे हम लोगों को दवा दी जा रही थी, और वहाँ के जो डॉक्टर्स थे वहाँ पे हम लोगों को काफ़ी अच्छे से देखभाल कर रहे थे। लेकिन वहाँ पे जब हम लोग को दवा दी गई तो उसमें धीरे धीरे हम लोगों का जो है रिकवर होने लगा, और काफ़ी हद तक हम लोग को वहाँ रह के मतलब हेल्थ में काफ़ी अच्छा सुधार हुआ, और टेस्ट बाद में 4-5 दिन बाद हम लोग को टेस्ट मिलने लगा, और बाकी चीज़ें सारी कुछ नॉर्मल हो गई। हम ये बोलना चाहेंगे सरकार को थैंक यू बोलना चाहेंगे कि वो जो है हमारे लिए इतना हेल्प कर रही है, हम लोगों को सपोर्ट कर रही है, सेफ्टी के हिसाब से बहुत अच्छा मतलब अब वो कर रहे हैं। टेस्ट हुआ मेरा, और मैं जो कोविड-19 का पेशेंट जब हुआ हमें, तो 11 हॉस्पिटल हमको ले जाया गया। वहाँ पर जो है हमारा प्रॉपर ट्रीटमेंट किया गया, चिकित्सा विभाग के लोगों ने जो है काफ़ी सहयोग किया, हमारा टेस्ट किया, हमें जो है डे बाय डे जो है काफ़ी हमारा प्रॉपर ट्रीटमेंट चला, और हम धीरे धीरे रिकवर करना शुरू कर दिए, और रिकवर भी हो गया। वहाँ दवा भी जो मिलती थी, मेनली जो है हम गवर्नमेंट की काफ़ी सराहना करना चाहेंगे, क्योंकि इतनी वैश्विक महामारी के दौर में इस तरीके की व्यवस्था और जो सरकार व्यवस्था दे रही है इतने संसाधनों में, काफ़ी सराहनीय कार्य है। जनपद सुल्तानपुर में कोविड-19 के चलते बंद स्कूलों के छात्रों के लिए ऑनलाइन शिक्षा वरदान साबित हो रही है। लैपटॉप व मोबाइल के अभाव में ऑनलाइन शिक्षा से विरत हो रहे छात्रों के लिए प्रदेश की योगी सरकार ने दूरदर्शन के माध्यम से बच्चों को शिक्षित करने का निर्णय लिया है। प्रदेश स्तर पर चल रही इस मुहिम में विषय विशेषज्ञ जनपद के 7 शिक्षकों व प्रदेश के अन्य योग्यतम शिक्षकों का वीडियो चयनित कर लिया गया है, जिसके माध्यम से अब लगभग 100% बच्चों को इस मुहिम का लाभ मिल रहा है। जिला विद्यालय निरीक्षक श्याम किशोर तिवारी ने बताया कि कोविड-19 में शिक्षण कार्य में होने वाली बाधा को दूर कर लिया गया है। शासन के निर्देश पर ऑनलाइन कक्षाओं का आयोजन कर छात्र व छात्राओं को शिक्षित किया जा रहा है। बच्चों को कोविड-19 जो महामारी के दृष्टिगत हमारे शिक्षक सत्र को खराब होने पर बच्चों को कोई नुकसान ना हो, इसके लिए काफ़ी कार्य किए गए हैं। सिलेबस कम किया गया बच्चों का, जो उसमें से महत्वपूर्ण चीज़ें थी उनको रख के नया सिलेबस तैयार किया गया, जो सिलेबस कम ताकि बच्चों को कम से कम नुकसान हो सके। इसके अलावा हमने बच्चों को शिक्षा देने के लिए ऑनलाइन माध्यम इस्तेमाल किए, जिसमें टेलीविज़न के माध्यम से बच्चों को दूरदर्शन पर समय लेकर के उनको बच्चों को पढ़ाना, 2 घंटे हाईस्कूल के लिए, 2 घंटे इंटरमीडिएट के लिए, व्हाट्सएप वर्चुअल क्लासेज के माध्यम से बच्चों के क्लासेज लेना, उनका मूल्यांकन करना, जहां शहरी क्षेत्रों में जूम ऐप के माध्यम से या विभिन्न जो ऐप हैं गूगल मीट के माध्यम से क्लास लेना, इन सारे माध्यमों से मैक्सिमम बच्चों को कवर करके और क्लासेस टीचर्स के माध्यम से संचालित की जा रही है। शिक्षक स्कूल आ रहे हैं, वहीं से क्लासेज ऑनलाइन क्लासेज वर्चुअल जो व्हाट्सएप वर्चुअल क्लासेज हैं वो लेते हैं, जिसकी वजह से बच्चों का नुकसान न होने पर इसका ध्यान रखते हुए कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए शासन की तरफ से ये निर्देश भी हुआ कि अगर क्योंकि हम जानते हैं कि अधिकतर लोगों के यहाँ टेलीविज़न की सुविधा रहती है मोबाइल के बजाय, तो उसमें दूरदर्शन पे भी स्वयं प्रभा चैनल पे भी ये हुआ कि विषय विशेषज्ञों की तरफ से एक वो बनाया जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभान्वित हो सकें। हाई स्कूल की छात्रा प्रगति मिश्रा ने बताया कि कोविड-19 के चलते चल रही चुनौतियों को शिक्षकों के साथ हम छात्रों ने भी स्वीकार किया है। हाई स्कूल परीक्षा की तैयारी कर रहे अक्षत साहू ने बताया कि ऑनलाइन शिक्षा से उन्हें अपने पाठ्यक्रम की पूरी जानकारी मिल रही है।
की पढ़ाई ऑनलाइन चल रही है। कोविड की वजह से हम लोग क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं, ऑनलाइन हम लोग की क्लासेस, ट्यूशंस और जो भी सब चल रही है हम लोग की। और हम लोग तैयारी अच्छे से, बोर्ड के लिए हम लोग तैयार हैं और तैयारी हम लोग की अच्छे से चल रही है। कोविड 19 के चलते हमारी पढ़ाई, हमारे स्कूल्स बंद हो गए हैं, लेकिन फिर भी जो है हमारे स्कूल के टीचर्स जो है हमें ऑनलाइन क्लासेस में बड़ी अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं। वो हमें मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस के जैसे सभी सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं। वाराणसी के चौकाघाट स्थित बुनकर सेवा केंद्र द्वारा एक जिला एक उत्पाद के तहत उद्योग विभाग की तरफ से महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने पंजीकृत डिजाइनरों के द्वारा महिलाओं को दिए जा रहे विभिन्न प्रकार के रेशमी वस्त्र उत्पाद को बनाने के प्रशिक्षण से महिलाएं घरों में ही रहकर इस कोरोना महामारी में धन अर्जित कर सकेंगी। इस 10 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में महिलाओं को उच्च तकनीकी से प्रशिक्षित किया जा रहा है। महिलाओं ने बताया कि हमारे यहाँ पावर लूम का काम होता था, लेकिन मार्केट बंद होने की वजह से हम सभी लोगों का रोजगार बंद है। हम सभी लोग प्रशिक्षण लेकर कार्य करेंगे तो इसका आर्थिक लाभ हम सभी को अवश्य मिलेगा। कार्यक्रम का शुभारंभ वाराणसी मंडल व विंध्याचल मंडल के संयुक्त उद्योग आयुक्त उमेश सिंह ने किया। उन्होंने महिलाओं को इस प्रशिक्षण से होने वाले लाभ के बारे में भी बताया। ये ट्रेनिंग 10 दिन की है और इस प्रकार के विभिन्न क्षेत्रों में बनारस के ट्रेनिंग हो रही है और लगभग सभी जिलों में हो रही है। इस ट्रेनिंग में जो यहाँ का उत्पाद है सिल्क उत्पाद, उससे संबंधित डिजाइन के बारे में हमारे डिजाइनर हैं जो उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन के द्वारा इम्पैनल्ड हैं, उनके द्वारा इनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के उपरांत इनको टूल किट की भी उपलब्ध कराया जाएगा ताकि जिस हुनर का ये काम जानते हैं, जो ये कार्य कर रहे हैं, उससे संबंधित इनको उपकरण उपलब्ध कराया जा सके, जिससे कि आगे चलकर ये रोजगार को अपने और आगे बढ़ा सके। ये कोरोना महामारी में जहां महिलाएं घरों में हैं, वैसे में इस ट्रेनिंग का क्या लाभ होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का कैसे आप पालन कर रहे हैं? निश्चित तौर पर ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है कि अभी जो महामारी है उसमें बाहर आना, एक साथ प्रशिक्षण करना और ये सारी व्यवस्था सुनिश्चित करना। किंतु जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो संदेश है कि इसके साथ ही आगे बढ़ना है, हम आर्थिक गतिविधियों को पूरी तरह बंद नहीं कर सकते, इसलिए जो उसके गाइडलाइन है गृह मंत्रालय के, उसका पालन किया जा रहा है। यहाँ आप देखेंगे कि बाहर से ही सैनिटाइजेशन, फिर इनका थर्मल स्कैनिंग की जा रही है, उसके बाद बैठने की व्यवस्था दूर दूर, सभी को मास्क पहनना अनिवार्य है। राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित डॉल्फिन अब विलुप्त होने की कगार में है। विलुप्त प्राय इस जीव का कुनबा फतेहपुर जिले के आदमपुर घाट से भिटौरा घाट तक देखने को मिला है, जिनके संरक्षण के लिए वन विभाग का सचल दस्ता लगातार गंगा घाट में गश्त कर रहा है। विभाग द्वारा गुप्त सूचना तंत्र मजबूत किया गया है, जिससे इनको नुकसान पहुंचाने वालों से इनका संरक्षण का कार्य किया जा सके। क्षेत्रीय वन अधिकारी आरएल सैनी ने बताया कि फतेहपुर जनपद में डॉल्फिन बहुतायत पाई जाती है, जिसके संरक्षण के लिए हम लोग लगातार गश्त करते रहते हैं और इस बार 15 अगस्त को प्रधानमंत्री के डॉल्फिन प्रोजेक्ट के आह्वान के बाद इसके संरक्षण में निरंतर तेजी कर दी गई है। नदियों को प्रदूषण से बचाने वाले स्रोतों में डॉल्फिन को भी मुख्य माना गया है, जो नदियों को शुद्ध करने में बड़ी सहायक हैं। इसके अलावा स्थानीय लोगों को इनकी खूबियां बताकर संरक्षण के लिए जागरूक किया जा रहा है। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। सुशांत सिंह राजपूत के मौत के सिलसिले में सीबीआई से जांच कराने संबंधी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया फैसला, मामले की जांच सीबीआई को सौंपी। देश में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या पहुंची 20 लाख के पार, स्वस्थ होने वालों की दर 73.64%, पिछले 24 घंटों में ठीक हुए 60,091 मरीज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 की बैठक में कहा, कोविड के मरीजों को बेहतर उपचार देना सरकार की प्राथमिकता, कोविड अस्पतालों की व्यवस्था को बनाया जाए चुस्त दुरुस्त। और विधानमंडल का मानसून सत्र कल से होगा शुरू, कोविड 19 महामारी के चलते सदन में कराई जा रही है विशेष व्यवस्था, मंडप में मास्क लगाना होगा अनिवार्य।
इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।